कश्ती डूब रही है भाई, फूफो और खाला दोनों बैठी हुई है, वो किसको बचाना चाहेंगे? दोनों को बचाना चाहूंगा, लेकिन जो मैंने एक को बैठाया हुआ है, आपने एक को बैठाया हुआ है तो मैं आपको फेंक दूंगा। बहुत डेंजरस वाला बहुत डेंजरस है। कितना डेंजरस है? मैं खुद डूब जाऊंगा। खाला से अपना इतना वास्ता ही नहीं है। खाला से लेना देना ही नहीं है ब्रो। खाला ने डुबोता है, एक खाला ने भी डुबोता है, फूफा भी एक है, फूफा की बेटी होगी। नहीं, खाले की भी है। फूफो तो इम्पोर्टेंट है, फिर अब्बा से जायदाद में हिस्सा मिलेगा तो फूफो की वजह से मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महनिसा। तो जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और यहां के स्टूडेंट से हम एक बड़ा मज़े का सवाल करेंगे कि कश्ती डूब रही है भाई, फूफो और खाला दोनों बैठी हुई हैं, वो किसको बचाना चाहेंगे? तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ बड़े दो प्यारे से लड़के मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रियान। आपका नाम? रोशन। रियान और रोशन दोस्तों? हाँ जी। कितने पक्के? 80% आप कितने परसेंट हैं? ऐसे 80%, क्योंकि अभी हमारी दोस्ती हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर ही आके। उससे पहले के अंदर कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? सेकंड। आपका भी? हाँ जी सेम। सेकंड, और क्या कर रहे हो? एमडीसी। एमडीसी, और आप? सेम कर रहे हो। क्या मतलब पहले ही सोच के आए थे कि दोनों सेम करना है, या कुछ ऐसा था यूनिवर्सिटी में आके मुलाकात? नहीं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स आए। कैसी लगी यूनिवर्सिटी? ओके। आपको? ओके। किसी को अपनी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं ना लगती, इसलिए ओके ओके है ना? हाँ जी, ऐसी बात है। और क्या सबसे अच्छा लगा यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा दोस्त। अच्छा, मैं क्या लड़कियाँ शायद। और आपको भी? हाँ जी दोस्त, क्योंकि नहीं वो तो कह रहे हैं सेम आप भी कही जा रहे हैं सेम। जैसे आज की कम्युनिटी में आपको नए दोस्त और अच्छे दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो जाहिर सी बात है बाहर तो जीप से भी होते हैं दोस्त यार, आपको गलत कामों में लगा देते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप यूनिवर्सिटी में जब आते हो, आपके दोस्त पढ़े लिखे बनते हो, आप उनके साथ अच्छी कंपनी में बैठते हो, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, कोई लड़की शड़की नहीं पसंद आई? नहीं, आज तक फिर यार ये क्या था, आज तक फिर क्यों पसंद नहीं आ सकती? जब आएगी आपको बता देंगे। जब आएगी, अगर पसंद आ गई तो अपने दोस्त के लिए लड़की छोड़ दोगे? क्योंकि वो तो उसने तो कह दिया अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी जल्दी छोड़ दूंगा। क्यों? लड़की आपको पता है आ जाएगी, पता नहीं आगे रहेगी नहीं रहेगी, किस तरह की चीज आ जाएगी, कल जाएगी आ जाएगी, लेकिन उसका ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो चीज पास है उसको पहले आप ट्रस्ट करो, और उसके ऊपर ही आप दोस्त कहेगा छोड़ दो तो छोड़ दोगे? हाँ जी, अगर शुरू में कह दे ये ना 1-1.5 साल बाद के, फिर जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, आपने तो कह दिया अस्तगफिरुल्लाह, तो इससे कहोगे कि भाई अब ना तुम कोई करना लड़की के साथ? मैं? हाँ जी। अच्छा, वैसे तुम मतलब अस्तगफिरुल्लाह क्यों कहा तुमने? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये चीज़। ये चीज़ें पसंद नहीं है? अच्छा, तुमसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, जवाब दोगे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कश्ती डूब रही है और कश्ती में खाला और फूफो, तुमने दोनों को बैठाया हुआ, तुम किसको बचाओगे? बहुत डेंजरस वाला है। बहुत डेंजरस है? कितना डेंजरस है? मैं खुद डूब जाऊंगा। मैं तुम तो बचे हुए, तुमने उन दोनों को बचाना है, उनमें से किसको बचाओगे? फूफो को। फूफो को क्यों बचाओगे? फूफो को वैसे कितनी खाला है? एक खाला ने डुबोता है, एक खाला ने भी डुबोता है, फूफो भी एक है, फूफो की बेटी होगी। नहीं, खाला की भी है। अच्छा, मैंने कहा नहीं फूफो की पसंद होगी ना? नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। ये फिर अस्तगफिरुल्लाह नहीं खत्म हो रहा। अच्छा, आप मुझे बताओ कि कश्ती डूब रही है और फूफो और खाला है, तो किसको बचाओगे? फूफो को। फूफो को क्यों बचाओगे? फूफो के साथ बहुत अटैचमेंट है, फूफो के साथ शुरू से ही ना, मतलब हमारे कितनी फूफो हैं? मेरी दो। किसको बचाना चाहोगे? दो फूफो से दोनों को बचाना चाहूँगा, लेकिन जो मैंने एक को बैठाया हुआ है। आपने एक को बैठाया हुआ है तो मैं आपको फेंक दूंगा। मैं तो उसमें हूँ ही नहीं। बड़ी वाली फूफो को। अच्छा, खाला को क्यों डुबो दिया? खाला से अपना इतना वास्ता ही नहीं है। खाला से लेना देना ही नहीं है ब्रो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमाद अहमद। हमाद क्या करते हो? ये बस स्टडी करता हूँ इधर डिजिटल मीडिया में। डिजिटल मीडिया में स्टडी करते हो, और क्या करना चाहते थे जो कह रहे बस यही करता हूँ? बस मैं जाना कहीं हो चाहता था, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना चाहता था मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद थी साइकोलॉजी। यहाँ कैसे आ गए फिर? बस वहाँ मेरिट नहीं बन पाया, इस वजह से यहाँ आसमान से गिरा और खजूर में अटक। खजूर में अटका, और खजूर में अटके कैसा स्वाद आ रहा है? बस आ ही रहा, अब तो 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे। फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है जी, और स्वाद मतलब आ ही रहा है। आ गया, चस आ गई है। आ गई है।
अच्छा आगे क्या गोल्स है कि साइकोलॉजी में तो हुआ नहीं दाखला, अब आगे क्या करने का इरादा इस फील्ड में रहकर? इंशाल्लाह आगे फिर मीडिया साइकोलॉजी में परसू कर लेंगे उसको, आगे मीडिया साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी की जान नहीं छोड़नी हमने, जान नहीं छोड़ी जाएगी तो। अच्छा, कैसे दो साल गुजरे यहाँ पर? अच्छे गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे। क्या बहुत अच्छा लगा? दोस्त। कौन से दोस्त? ये कुछ तो साथ खड़े हैं, कुछ अंदर हैं, और बस अहबाब बहुत अच्छे लगे। दोस्त अहबाब, दोस्त अहबाब में लड़कियां भी अच्छी लगी तुमको? हाँ जी, हाँ जी, जाहिर है, वही तो अच्छी लगी हमको। जाहिर है, जाहिर है। हाँ, वही अच्छी लगी। हाँ जी, तो पसंद आ गई? ये क्या के सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। तुमने कर ली कि नहीं की? कर ली मैंने, कर ली। तुमने कर ली? अच्छा, कैसे कैसी रह रही है मोहब्बत? बस खत्म हो गई, आहिस्ता आहिस्ता। शुरू कब हुई थी? हो गई अब, दो साल तो मेरे यहाँ पे गुजर गए ना। तो दो साल गुजर गए हैं, तो दो हुई कब थी, खत्म कब हुई? बस फर्स्ट नहीं, पहली नजर की हुई थी? नहीं नहीं, पहली नजर की नहीं हुई थी। सोचने दो, टाइम से। हाँ, पता नहीं कितनी सी सोच रहा बेचारा। टाइम के साथ हुई थी, फिर टाइम के साथ ही खत्म हो गई। कब खत्म हुई? कुछ अब तो 3-4 माह हो गए। 3-4 माह क्यों खत्म हुई? बस कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से। तुमने तंग किया होगा? हाँ जाहिर है, लड़के ज्यादा तंग करते हैं। लड़के ज्यादा तंग करते हैं। अच्छा, आगे फिर कोई पसंद आएगी कि नहीं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी तक ऐसा कोई इरादा नहीं जी, बस। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ कि कश्ती है तुम्हारे पास, ठीक है, उसमें तुमने फूफो और खाला को बिठाया और डूबने वाली है, तुम फूफो को बचाओगे कि खाला को? खाला तो मेरी है ही नहीं, तो फूफो बच जाएंगी खुद ही। खाला तो नहीं, किसी और खाला को बिठा देना, मैं से ही खाला को बिठा देंगे, किसको बचाओगे? फूफो तो इम्पोर्टेंट है, फिर अब्बा से जायदाद में हिस्सा मिलेगा तो फूफो की वजह से ही मिलेगा। इसीलिए तुमने फूफो को बचा लिया? ऐसा ही है, इसीलिए बचाना। जायदाद की खातिर बचाई या मोहब्बत की खातिर? नहीं नहीं, वो मोहब्बत तो फिर जरा सेकेंडरी टाइप हो जाएगी, तो जाहिर है अब्बा नाराज हो जाएंगे, अब्बा से मोहब्बत ज्यादा। जायदाद बचाने के लिए भाई हमने फूफो को बचा लिया, ये इम्पोर्टेंट चीज है जी। नाज़रीन, हमारे साथ दिल जला नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आतिफ। आतिफ क्या करते हो? मैं मैस्को में पीआर कर रहा हूँ। इतने सीरियस क्यों? बस वैसे। बस वैसे वैसे क्यों? ऐसे ही, मतलब मैं ऐसा ही हूँ, सीरियस। तबीयत ही ऐसी है सीरियस रहने की? हाँ बस ऐसी है। तो हंसते कब हो? हंसता नहीं हूँ मैं। हंस तो रहे हो यार। मतलब के दिल से जो हंसना होता है वो। अच्छा, दिल, ये दिल वाली हंसी नहीं बाहर आ? हाँ वो नहीं। क्यों, कौन से ऐसे गम है? अंदर असल में मुझे अपनी सेकंड डिग्री की टेंशन है थोड़ी सी, क्योंकि ये तो जस्ट टाइम हाकू बच्चे ना, टाइम पास है, ये टाइम पास है। सेकंड डिग्री कौन सी करना चाह रहे हो? कर रहा हूँ मैं सीए। सीए कर रहे हो? अच्छा, आगे क्या गोल्स हैं? सीए करूँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, और फिर पैसा कमाऊंगा। कितना पैसा कमाओगे? सीए का तो आपको पता है कितना पैसा कमा सकता है एक बंदा। बस ये पर हाकू, और अच्छी बात वैसे है ना, आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। हाँ पैसा, पैसा है तो सब कुछ है, लड़की भी है, आई मीन लड़की तो है। अभी है कि नहीं? नहीं अभी नहीं है। अभी क्यों नहीं है? अभी टाइम ही नहीं होता। अभी टाइम ही नहीं होता क्या? यहाँ इतने मसरूफ रहते हो? वहीं पर बस, यहाँ पे पेपर देने आता हूँ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पेपर देने? कैसे पेपर हो रहे हैं? पेपर अच्छे हुए हैं। डिपार्टमेंट में कितने साल हो गए? अभी तो सेकंड चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। कैसा लगा एक्सपीरियंस, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बस नॉर्मल है, क्योंकि दोस्त नहीं है मेरे यहाँ पे। क्यों? आता ही नहीं हो। आते ही नहीं हो, उससे दोस्त भी नहीं बनाए? दोस्त बनते ही नहीं है वो, मतलब वो ना दोस्त ऐसे हैं कि वो देखते हैं कि अगर इससे कोई फ़ायदा होगा तो फिर इसका दोस्त बनना है। तो कोई मुझसे एक सवाल पूछता है, मैं उसे 5 पूछ लेता हूँ, तो वो कहते हैं इसके साथ दोस्ती नहीं करनी। ये सही बात है, वो तुम्हारी उंगली पकड़, तुम हाथ ही पकड़ लेते हो। हाँ तो उन्हें नजर आता है कि इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो इसके साथ दोस्ती नहीं। ये हमारा ही चारा कर रहा है, हमसे एक सवाल पूछ के, ये हमसे 5 सवाल पूछ के फंस जाते हैं हम लोग। हाँ ऐसा क्यों करते हो? तो सारी बात है, अगर मैं क्लासेस नहीं लेता तो मुझे थोड़ी पता होगा क्लासेस में क्या करवाया। तो क्लासेस लिया करो फिर तुम, तो फिर वहाँ से क्लासेस मिस होंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, दो डिग्रियाँ कर रहे हैं जी। तो दोस्तों को बता दिया करो ना यार, मैं 2 डिग्रियां कर रहा हूँ, इसलिए हेल्प कर दिया करो मेरी। हाँ उन्हें पता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है, बस अपना फायदा देखते हैं सब लोग। तुम भी तो अपना ही देख रहे हो, एक सवाल पूछ के 4 पूछ लेना। नहीं अगर देखे, अगर उनको नजर आ रहा है ना कि मेरी हेल्प करने में उन्हें कोई फायदा मिलेगा तो फिर वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये तो भाई रूल है दुनिया का ना। हाँ लेकिन कुछ होते हैं ऐसे फजूल में कर देते हैं। कुछ मुखलिस, कौन से मुखलिस मिल गया आपको? कोई मिला नहीं है ऐसे, अभी बस देख रहा हूँ। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो कि कश्ती डूब रही है, उसमें खाला और फूफो बैठी हुई है, तुम किसको बचाओगे? हाँ खाला को बचाऊंगा। फूफो को क्यों नहीं बचाओगे? नहीं फूफो नहीं सही है। क्यों नहीं सही? फूफो मसले करती हैं। क्या मसले करती है? मतलब हमारे मसले अक्सर जमीन के ही होते हैं। हाँ करा देती है।
हाँ, जमीन के मसलों में ज्यादा टांग रहती है। जमीन के मसलों में तो बना के रखो पागल, जायदाद मिल जाएगी। नहीं ऐसे मुझे नहीं लगता मिलेगी। ऐसा क्या करती है जो फूफो तुम्हें जायदाद भी नहीं देंगी? नहीं मुझे नहीं देंगी, वैसे ही बस ऊपर ऊपर से कहती हैं ठीक है ले लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता देंगी। अच्छा खाला को बचा लिया, खाला को क्यों बचाया? खाला बस वैसे अच्छी हैं, थोड़ी सी अच्छी रहती हैं। खाला की बेटी हैं? हाँ बेटी है। हाँ बेटी है, इसलिए खाला इसमें अच्छी लगती है। बेटी तो फूफो की भी है, लेकिन फूफो की बेटियाँ कुछ वैसी हैं, खाला की बेटी थोड़ी अच्छी है। आई मीन अच्छी, तुम्हें आदत की अच्छी लगती है बस नेचर वाइज। हाँ वैसे मैं कह रही फूफा से बना के रखो, जायदाद मिल जाएगी। और नहीं जायदाद नहीं, सीए कर लिया तो सब कुछ है। चलो ठीक, कुछ शेयर करोगे हमारे साथ? नहीं कुछ भी। सॉन्ग आता है? नहीं। पोइट्री? कुछ भी नहीं। कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं। कुछ दोस्तों को कह दो कि मुझे, मैं एक सवाल पूछता हूँ चार बता दिया करो। दोस्तों को बस यही कहना है कि मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करें। इज्जत यार, इज्जत कर लिया करो इसकी, कभी कभी तो यूनिवर्सिटी आता है। हाँ मेरी इज्जत कर ले बस। चलो ठीक है, शुक्रिया जी। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आप भी हमारे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि कश्ती डूब रही है और आपने खाला और फूफो को बचाया हुआ तो आप किसको बचाना चाहेंगे। तब तक के लिए अपनी मेजबान मेहरुन्निसा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।